हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शेख गौस। दोस्तों, आज लेकर आया हूँ मैं महिंद्रा सुप्रो। यहाँ पर जो है मैं लोट लेकर आया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पूरा अंधेरा अंधेरा है। यहाँ पर जो है कहीं पर भी लाइट वगैरह कुछ नहीं है। मैं गाड़ी की जो है लाइट चालू करके ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी जब मैं गाड़ी लेकर आया था, इसमें जो है डायनेमिक की लाइट शो हो रही, और वही लाइट जो है 2-3 दिन से आ रही। तो मैं सोचा उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, क्यों लाइट आ रही, उसकी वजह क्या है, क्या कारण है, क्यों लाइट आ रही। और दोस्तों, ये गाड़ी लेकर मुझे हो चुके हैं 3 महीने के ऊपर में, और गाड़ी चली है 7,000 चिल्लर। मैं आपको अभी बताता हूँ उसकी रीडिंग कितने किलोमीटर चली है। और दोस्तों, गाड़ी जो है चलने में बहुत बेहतरीन है, लोड खींचने में, पिकअप में। और माइलेज जो है, आपको तो माइलेज का वीडियो जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, माइलेज जो है लोड में 15 का माइलेज दे रही है। और सिटी का अभी देखना है इसमें ओवरलोड में और क्या माइलेज आता है इसका। हाईवे रोड पे टापे टाप जब गाड़ी चलेगी, टॉप गियर पे, उस समय क्या माइलेज देगी गाड़ी, वो भी एक बार टेस्ट करना है उसका। अभी फ़िलहाल जो है इसमें एक डायनेमिक की लाइट आ रही, वो कई को आ रही, क्या वजह है वही देखना है। तो दोस्तों, आप बने रहिए वीडियो में, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और दोस्तों, अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे जो मैं गाड़ियों से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। अभी फ़िलहाल जो है दोस्तों मैं महिंद्रा सुप्रो के साथ हूँ, तो इसी के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि गाड़ी में क्या अच्छाई है, क्या खूबी है। तो है आप जैसे कि आपको पता ही है, जब हम गाड़ी लेते हैं कौन सी भी, तो पहले उसके बारे में सर्च करते हैं कि गाड़ी चलने में कैसी है, पिकअप कैसा है, यूट्यूब पे इधर उधर देखते हैं, सबसे मालूमात करते हैं, जब जाके गाड़ी लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आप अगर ये महिंद्रा सुप्रो मिनी ट्रक अगर लेने का सोच रहे हैं, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है इस गाड़ी के बारे में हर चीज़ के बारे में बताते रहूँगा मैं। अभी फ़िलहाल जो है देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम इसमें जो इंजन की लाइट शो हो रही, उसी के बारे में बात करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ वो लाइट कब से आ रही, क्यों आ रही, वजह क्या है, वही देखेंगे। तो अब बने रहिए दोस्तों वीडियो में। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो अभी मैं करता हूँ इसका मीटर ऑन। ये रहा दोस्तों मीटर ऑन, और ये देखिए गाड़ी चली है 7,417 किलोमीटर। और मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है इस वाली लाइट की हो रही है, डायनेमिक की। ये जो है बैटरी को चार्ज करने की लाइट है, ये जब ये लाइट आती है तो बैटरी चार्ज नहीं होती, मगर गाड़ी जो है सेल्फ वगैरह सब अच्छा उठा रही, हॉर्न लाइट उठा सब अच्छा आ रहे। और ये लाइट क्यों आ रही, इसी के बारे में जानना है हमें। और दोस्तों, अभी तो देखिए ये लाइट जो आ रही मेरे को 3-4 दिन से, 3-4 दिन पहले आई थी। 3 टन जब लोड लेकर आया था मैं इस गाड़ी में, जब आई थी उसके बाद जो है लाइट वो खुद ब खुद चले गई थी। उसके बाद जो है फिर अभी मैं लेके आया था, अभी जो लोड लेकर आया हूँ मैं, 40 किलोमीटर की दूरी से आया हूँ, 35 से 40 किलोमीटर के बीच में। तो ये लाइट मुझे एक 20 किलोमीटर चलने पर ये लाइट चालू हो गई थी खुद ब खुद। तो देखेंगे अभी थोड़े दिन चला के, अगर ये लाइट चले गई तो ठीक है, नहीं तो इलेक्ट्रिशियन साहब को बताएंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है, देखेंगे। और ये गाड़ी को अगर कुछ काम भी है तो क्या खर्चा आएगा, किस वजह से लाइट आ रही थी, उसकी वीडियो आपको तभी मिलेगी जब मैं इस गाड़ी का काम कराने जाऊंगा। और गाड़ी देखिए दोस्तों, चलिए 7,417 किलोमीटर, मेरी जब से 7,000 साढ़े 7,000 किलोमीटर पे एक प्रॉब्लम आया लाइट का, वो देखेंगे कहीं का है, या बैटरी का है, या डायनेमिक का है, या कुछ कमी के वजह से आ रही है, या खुद ब खुद चले जाएगी। क्योंकि मेरी महिंद्रा जीतों में जो है इंजन लाइट आती है खुद ब खुद जाती है, किलोमीटर बंद होता है खुद ब खुद चालू होता है। तो अभी इसका देखेंगे इसका क्या है, और जब कभी भी होगा जब कभी भी कुछ भी अगर इसका काम निकलेगा तो तुरंत आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। अभी मैं इसको 2 दिन तक देखने वाला हूँ, अगर लाइट गई डेन में की तो ठीक है, नहीं गई तो इसको इलेक्ट्रिशियन का काम कराएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम था। और उसकी तो वीडियो आपको मिल ही जाएगी, क्या प्रॉब्लम था, क्या खर्चा आया, क्या मेंटेनेंस निकला और क्या प्रॉब्लम था, वो हर चीज़ के बारे में आपको मैं बता दूंगा, अगर जब कभी भी इसका काम कराने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।